नमस्कार। दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में दस्तक देने की अच्छी खबर के बीच कैसा रहेगा मौसम का हाल? मैं अश्विन कुमार मित्रा आज आपको साप्ताहिक मौसम समीक्षा में पिछले सप्ताह कैसा रहा मौसम का मिजाज और आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा मौसम का आउटलुक वो बताने जा रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं 27 मई और 2 जून 2021 के दौरान बादलों का पैटर्न और मौसम प्रणाली को अगर आप देखें दक्षिण पश्चिम मुख्य रूप से अगर आप देखें इसमें दक्षिण पश्चिम हवाएं की मजबूती को देखते हुए निचले शोभ मंडल के स्तर में हवाएं व्यापक वर्षा गतिविधि और क्षेत्र में लगातार बादल छाए रहने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ गया। पर्टिकुलरली अगर हम देखा जाए खासकर पार्ट्स ऑफ मालदीव कोमोरिन एरिया साउथ वेस्ट और ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में ज्यादातर पार्ट में साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में कुछ जगहों पर वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में 27 मई 2021 में दक्षिण मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा 5 डिग्री नॉर्थ 72 डिग्री ईस्ट से लेकर अगर हम देखा जाए ये गुजरते हुए 6 डिग्री नॉर्थ 75 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरता है और इसकी अगर स्थिति देखा जाए तो 27 मई और 2 जून 2021 तक वो वही रहा। कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ्स जो कम अंतराल में डेवलप होते रहे भारत के विभिन्न भागों में। अगर हम ऑब्जर्व रेनफॉल अगर हम ऑब्जर्व वेदर की बात करें 27 मई से 2 जून के बीच तो आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान और अगर वर्षा का जो जो दर्ज की गई है 27 तारीख को अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड वेस्ट राजस्थान में बीकानेर में नोट किया गया और भारी से भारी वर्षा देखने को मिला हमको उड़ीसा झारखंड में चूंकि इसमें साइक्लोन यश का प्रमुख रूप से कारण रहा और भारी वर्षा आपको केरल माहे और लक्षद्वीप कुछ आइसोलेटेड जगहों पर अरुणाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल सिक्किम छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में देखने को मिली। 28 तारीख को आप देखेंगे फिर से अधिकतम तापमान आपका वेस्ट राजस्थान रहा, ये जगह रहा गंगानगर जहाँ 47.3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज की गई और भारी से भारी वर्षा अगर देखा जाए उस समय भी आपका सभी मारे वेस्ट बंगाल सिक्किम झारखंड चूंकि साइक्लोन का प्रभाव ये नॉर्थ साइड में बढ़ा जिसके कारण बिहार में भी इसमें भारी से भारी वर्षा दर्ज की गई। हैवी रेनफॉल जिसको हम भारी वर्षा कहते हैं गंगटिक वेस्ट बंगाल और ईस्ट उत्तर प्रदेश और निचली जगह पर अंडमान और निकोबार में देखी गई। 29 तारीख की अगर हम बात करें 46.3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान नोट किया गया फिर से गंगानगर में वेस्ट राजस्थान में और भारी वर्षा अगर हम देखा जाए ये भारी से अत्यंत भारी वर्षा ईस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार में नोटिस की गई। भारी वर्षा का अगर हम देखें तो केरला माहे में और भारी वर्षा और कोस्टल कर्नाटका सिक्किम सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में देखने को मिला। 30 तारीख की अगर हम बात करें इस बार फिर से वेस्ट राजस्थान में अधिकतम तापमान को दर्ज किया गया 45.5 डिग्री जो चूरू स्टेशन पे रहा और अगर भारी वर्षा की अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश केरला और माहे और बिहार में देखने को मिला। अगर हम कैसा रहा वेदर अगर हम 27 मई और 2 जून को अगर हम देखें तो 31, 1 और 2 को अगर हम देखें अगले 3 दिन मतलब 44 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको कह सकते हैं अधिकतम तापमान फिर से वेस्ट राजस्थान में रहा और ये स्थिति 1 तारीख को उत्तर प्रदेश में देखने को मिली जिसमें अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया जो कि जगह आगरा स्टेशन में था और मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 2 तारीख की बात करें तो वो वेस्ट मध्य प्रदेश में नोट किया गया जो 42.4 रहा। हालांकि रेनफॉल की अगर हम बात करें भारी से भारी वर्षा 31, 1 और 2 को अगर हम देखा जाए तो ये झारखंड अरुणाचल प्रदेश गंगटिक वेस्ट बंगाल नॉर्थ कोंकण कोस्टल साउथ इंटीरियर कर्नाटका तमिलनाडु पुडुचेरी में देखने को मिला 31 को 1 को आपका सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश को देखने को मिला और अगर 2 तारीख की बात करें तो ये हैवी से भारी वर्षा आपके सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम असम मेघालय एंड हेवी रेनफॉल की जो दर्ज की गई वो ईस्ट उत्तर प्रदेश गैंगटिक वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोंकण रायलसीमा रहा। अगर हम रेनफॉल की हम देखें जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया सेंटीमीटर में देखें तो खासकर 27 से 2 के बीच अगर आप देखें तो खासकर अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश सब हिमालयन वेस्ट बंगाल गैंगटिक वेस्ट बंगाल उड़ीसा झारखंड इसमें अगर हम देखें काफ़ी भारी से भारी वर्षा दर्ज की गई। उसी प्रकार से अगर हम 28, 29, 30, 31 में देखें तो खासकर ये ईस्टर्न और पूर्वोत्तर राज्यों में इसका वर्षा की अच्छी मात्रा में ये नोटिस की गई इसको दर्ज की गई है। अब हम देखते हैं वीक के 27 मई से 2 जून और 1 मार्च से 31 मई के बीच रेनफॉल का जो डिपार्चर सीजन का कैसा रहा आप देख सकते हैं। अगर हम 27 मई से 2 जून की बात करें तो पूरे भारत में डिपार्चर काफी अच्छा रहा 75% रहा। उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिमी राज्यों की अगर हम बात करें वहां पर भी 116% रहा
जो कि काफी अच्छा है, मध्य भारत में भी अच्छा रहा, और अगर पूर्वोत्तर राज्यों में जो खासकर हम देख रहे थे क्योंकि इस बार यश के प्रकोप या कह सकते हैं प्रभाव के कारण ये 98% रहा, तो इन तीन मुख्य रूप से इन तीन जगहों पे अच्छा रहा। हालांकि साउथ पेनिनसुला जिसको हम दक्षिण पेनिनसुला बोलते हैं वहां पे कुछ कम दर्ज की गई। अगर हम पूरे सीजन की बात करें 1 मार्च से 31 मई के बीच तो यथावत स्थिति रही, लेकिन यहाँ पे अगर हम सांख्यिक रूप से हम देखें तो पूरे भारत में उत्तर पश्चिम राज्यों में मध्य भारत में इवन साउथ पेनिनसुला दक्षिण पेनिनसुला में भी अगर देखा जाए तो डिपार्चर जो है वो अच्छी नोट की गई। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी राज्यों में ये -0.9% दर्ज की गई। अब आते हैं हमारी जो सबसे अच्छी खबर के साथ दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 की प्रगति के बारे में, तो सबसे पहले बताएं साउथ वेस्ट मानसून केरला पे दस्तक दिया 3 जून को, जो उसके जो नॉर्मल स्वाभाविक डेट है 1 जून के वनस्पत। अगर हम केरल के ऊपर मानसून की शुरुआत की घोषणा करने के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे किए जाते हैं, हालांकि भारत मौसम विज्ञान निम्नलिखित मानदंड पूरे करने के बाद ही केरल में ऑनसेट ऑफ मानसून की घोषणा करता है। तो हम देखें कि 14 स्टेशनों में अगर वो 60% से अधिक रहे पिछले 2 दिनों में लगातार 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश दर्ज की गई है। साथ ही केरल में वर्षा का स्थानीय वितरण भी देखने को मिला, पिछले 2 दिनों के दौरान काफी व्यापक रहा। पछुआ हवा है जिसको हम वेस्टर्लीज बोलते हैं, वो निचले इलाकों से काफी तेज हो गई, जिसको हम कहते हैं एक तरह से विंड स्ट्रेंथनिंग हुई। विंड स्पीड की यहाँ पे जो स्पीड है या उसको दर्ज की गई वो 20 नॉट, और अगर सैटेलाइट विंड की हम बात करें तो 15 से 20 नॉट वेस्टर्ली विंड दर्ज की गई, जो प्रिवेल की अप टू 600 HPA आज की तारीख में। देर इज अ परसिस्टेंट कन्वेक्शन जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन देखने को मिल रहा, जिसमें क्लाउडीनेस जैसा कि आप उपग्रह से प्राप्त मानचित्रों से आपने देखा क्लाउडीनेस इंडिकेट कर रहा था। आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जिसमें उसकी मात्रा 200 वाट पर मीटर स्क्वायर से कम न दर्ज की गई सैटेलाइट इमेजरी से। डॉपलर वेदर रेडार जो भारत मौसम विज्ञान के हैं उन्होंने भी इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को नोट किया, और 3 जून 2021 को ऑनसेट ऑफ मानसून केरला में हमने घोषित की। अगर हम इसकी प्रगति के बारे में बात करें खासकर दक्षिण पश्चिम मानसून की 2021 की कैसी प्रगति रही, तो नॉर्दर्न लिमिट आप देख सकते हैं 10 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड अगर आप 60 डिग्री से ये चलता हुआ अगर अंतिम छोर तक हम जाएं तो 14 डिग्री नॉर्थ और 17 डिग्री नॉर्थ और 94 डिग्री ईस्ट तक रहा। दक्षिण पश्चिम मानसून के खासकर अगर इस बातों को ध्यान दिया जाए, दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण अरब सागर के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य अरब सागर के प्राप्त हिस्से खासकर केरल दक्षिण लक्षद्वीप के शेष हिस्से, तमिलनाडु पुडुचेरी के कुछ हिस्से, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्से, रायलसीमा और दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके बाद अगर मैं कहूँ 2-3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में आगे बढ़ने की पूरी संभावना है, और इसकी संभावना सप्ताह के पहले सप्ताह के अंत तक दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पूरे पूर्वोत्तर भारत को में आगे बढ़ने की एक खास संभावना है स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। दूसरे सप्ताह के दौरान इसके पूर्व और मध्य भारत में आगे बढ़ने की संभावना है। अगर हम वर्तमान सारांश और पूर्वानुमान अगर हम आज देखें 3 जून 2021 को, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आज 3 जून को दक्षिण अरब सागर लक्षद्वीप क्षेत्र, दक्षिण केरल, दक्षिण तमिलनाडु, कोमोरिन, मालदीव क्षेत्र के शेष हिस्सों और बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया। जैसा कि आप पूर्वानुमान के जो NWP मॉडल के पूर्वानुमान जो चित्र है इसको अगर आप देखें 3 जून की से साफ आपको दिख रहा होगा इन जगहों पर किस तरह से ये मानसून आगे बढ़ रहा है। भूमध्य हिंद महासागर और दक्षिण बे ऑफ बंगाल के आसपास के मध्य भागों में चक्रवाती परिसंचरण औसत और समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर के बीच देखी जा रही है। ईस्ट वेस्ट सियर जोन भी आपको साउथ वेस्ट अरेबियन सी और साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल अक्रॉस एक्सट्रीम सदर्न पेनिनसुला के 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 3.1 किलोमीटर पे मीन सी लेवल के ऊपर देखी जा रही है। और इसमें देखने लगी बात होगी कि तेलंगाना से दक्षिण की ओर उत्तर दक्षिण ट्रफ निचले स्तर पर तमिलनाडु पे दिख रहा है। सो हम कह सकते हैं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज ए ट्रफ इन मिड एंड अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्ली विद इट्स एक्सिस को भी देखा जा रहा है, जो कि आपका खासकर 72 डिग्री ईस्ट में और 30 डिग्री नॉर्थ में ये आपको चित्रों से आपको देख के स्पष्ट हो रहा है। अगर हम अगले 5 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी को अगर हम देखें 3 जून से लेकर अगर 7 जून के बीच अगर हम चित्रों को देखें तो भारी वर्षा आपको कई जगहों पर देखने को मिल रही है, जिसमें से खासकर उड़ीसा, असम,
मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु, 3 तारीख को, 4 तारीख को भारी वर्षा तो कोंकण एंड गोवा, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य खासकर, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कोस्टल और दक्षिण राज्यों के बीच, चूंकि मानसून अब प्रगति पे है, 5 तारीख को भी भारी वर्षा आपको देखने को मिल रही है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में, खासकर पूर्वोत्तर राज्य एक बार फिर से। और साथ में अगर दक्षिणी की जगह बात करें तो कोस्टल एंड नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल एंड केरला एंड माहे। 6 तारीख की अगर हम बात करें तो भारी वर्षा का पूर्वानुमान लग रहा है लाइकली, खासकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अगेन फिर से पूर्वोत्तर राज्यों में, और खासकर मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, जितने भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें 6 तारीख को खासकर भारी वर्षा का अनुमान देखा जा रहा है। 7 तारीख को अगर हम देखें, 7 तारीख को कुछ अगर हम रेनफॉल को अगर हम देखें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ कि सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार और असम, मेघालय में भी इसे देखने को मिल रहा है। अगर हम मॉडल के, अगर एनडब्ल्यूपी मॉडल के, अगर फोरकास्ट के में अगर हम रेनफॉल को, अगर हम वर्षा का हम देखें किस तरह का पूर्वानुमान होने जा रहा, तो 2 सप्ताह अगर हम ले 4 जून से 10 जून के बीच और 11 जून से 17 जून के बीच, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पश्चिमी भाग की जो तटीय जगह हैं विभिन्न भागों में, रेनफॉल आपकी काफ़ी 10 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ज़्यादा दिखा रहा है। दक्षिण राज्यों में इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, साथ में साथ पूर्वोत्तर राज्यों में अगर आप देखें इसमें भी आपको डार्क ग्रीन कलर से वर्षा का होने की अनुमान देखने को मिल रहा है। हम अगर दूसरी सप्ताह को अगर हम देखें 11 जून से 17 जून, आपको मुख्य रूप से पश्चिमी तट, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट, और पूर्वोत्तर राज्य, और खासकर ये अगर आप देखें कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार और मध्य भाग, इसमें आपको रेनफॉल की एक संभावनाएं नजर आ रही हैं। So, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि रेनफॉल पहले सप्ताह क्या पूर्वानुमान रहेगा, जो खासकर 4 जून से 10 जून के बीच होता है, तो जो रेनफॉल की जो है अबव नॉर्मल रेनफॉल की होने की चांसेस दिख रहे हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, नॉर्थ तमिलनाडु, साउथ छत्तीसगढ़, असम, मेघालय और पूर्वोत्तर राज्यों में। बिलो नॉर्मल की अगर जाकर अगर हम बात करें कहां पे वर्षा कम होने की है, तो ये बिलो नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिल रहा है सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में। हालांकि अगर हम ओवरऑल पूरे भारत के भूभाग को अगर हम देखें तो ये लाइकली टू बी वेरी नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल रेनफॉल, नॉर्मल वर्षा का देखने को मिल रहा है। आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल कुछ जगहों पे हमको देखने को मिल सकते हैं, भारी वर्षा जिसको हम कह सकते हैं केरला, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र पहले सप्ताह में, हालांकि ओवर अंडमान निकोबार और में देखा जाए तो 2 सप्ताह में मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर मैं खासकर अरुणाचल प्रदेश का नाम लूं तो 4 से 6 जून के बीच, और अगर असम, मेघालय की बात करें तो 3 से 9 के बीच, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो स्पष्ट रूप से 5 से 9 जून 2021 के बीच भारी वर्षा का अनुमान देखा जा रहा है। अगर हम दूसरे सप्ताह में चले, खासकर वो 11 जून से 17 जून के बीच, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हवाओं की जो स्ट्रेंथनिंग है, विंड काफी इसमें स्ट्रेंथनिंग हो रही है, ऑफशोर ट्रफ भी देखने को मिल रहा है वेस्ट कोस्ट में, तो रेनफॉल एक्टिविटी इसमें काफी ज्यादा दिखेगी आपको दक्षिणी भागों में, खासकर दक्षिणी पेनिनसुलर के जो राज्य हैं उन राज्यों में अगर आप देखेंगे दक्षिण भागों में रेनफॉल का जो प्रभाव रहेगा कुछ ज्यादा रहेगा। अब वो नॉर्मल की स्थिति बननी दिख रही है महाराष्ट्र, कोस्टल, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, केरला, माहे, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ईस्ट उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर हम दूसरे सप्ताह की खासकर बात करें कहां कहां बिलो नॉर्मल होने की संभावना है, वो जगह होंगी आपकी नॉर्थ हिमाचल प्रदेश, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। और अगर हम फिर से अगर हम ओवरऑल अगर हम काउंट करें वर्षा का जो होने की जो पूर्वानुमान जो अगर हम देखें तो ये फिर भी नॉर्मल की स्थिति बनती दिख रही है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, अगर पूर्वानुमान चक्रवात को अगर हम देखें क्या रहने वाला सप्ताह 1 और 2 में, खासकर 4 से 10 जून और 11 से 17 जून, तो एक बड़ी रूप से स्पष्ट रूप से एक बात आ रही है कि दूसरे सप्ताह की पहली छिमाही के दौरान मध्यम संभावना के साथ उत्तर पश्चिम बीओबी पर मानसून डिप्रेशन बनने की संभावना है। अगर हम तापमान की बात करें, जैसा कि आप फोरकास्ट अधिकतम तापमान देख सकते हैं, अधिकतम तापमान जो है वो कई जगहों पर दिखने को मिल सकता है, खासकर बिहार, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ। लेकिन अगर बिलो नॉर्मल अधिकतम तापमान देखें, जहां पर तापमान कम रहेगा वो खासकर मध्य भारत और एडजॉइनिंग जो दक्षिणी भाग है वहां पर दिखने को होगा।
अगर मैं बड़े रूप से अगर आप तापमान का अगर हम पूरे भारत को अगर आप आकलन करके देखेंगे कि देश भर में कोई हीट वेव की स्थिति संभावनाएं नहीं दिख रही है, ये खासकर मुख्य रूप से कहने लायक बात है। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें 11 जून से 17 जून के बीच अबो नॉर्मल की टेम्परेचर की स्थिति दिख रही है सौराष्ट्र कच्छ में, जिसमें अधिक तापमान कुछ बढ़ रहे हैं आपकी सौराष्ट्र कच्छ राजस्थान पंजाब हिमाचल प्रदेश वेस्ट उत्तराखंड और नॉर्थन पूर्वोत्तर राज्यों में। बिलो नॉर्मल अगर हम कहें वो खासकर मध्य भारत में और दक्षिणी भागों में कुछ बिलो नॉर्मल अगर आप चित्रों को देखें उससे आपको दिख रहा है आपको जो 28 से 30 28 से 32 जारी। लेकिन अगर आप पश्चिमी राज्यों को पश्चिमी राज्य अगर राजस्थान और उनमें देखें तो डार्क 40-41 दिख रहा है। हालांकि यहाँ फिर से एक बात बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हो रही है साफ हो रही है कि देश भर में कोई हीट वेव की स्थिति की संभावना नहीं है। अगर आप फिर से मेरा अनुरोध है अगर आपने अभी तक भारत मौसम विज्ञान के अगर आपने एंड्रॉइड को डाउनलोड नहीं किया तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मौसम ऐप दामिनी ऐप मेघदूत ऐप इन सभी ऐपों को तुरंत डाउनलोड करें। आपको लोकल स्थानीय जिसको हम कह सकते हैं स्थानीय सूचना स्थानीय मौसम की जानकारी के लिए आप विभिन्न वेबसाइट से हम भारत मौसम विज्ञान की साइट में आइए हमारे ट्विटर हैंडल पे आइए लाइक करिए कमेंट करिए सजेशन दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ अगले सप्ताह मैं फिर से मौजूद रहूंगा। नमस्कार धन्यवाद।